हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल हजार्ड्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से बात करें या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज अ कंट्रोल हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड अक्कर क्यों होते हैं एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। तो कंट्रोल हजार्ड बेसिकली अक्कर होते हैं ऑल द इंस्ट्रक्शंस हु चेंज द प्रोग्राम काउंटर लीड्स टू द कंट्रोल हजार्ड्स। जनरली हमारे पास जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस का फ्लो कंट्रोल है, जो कंट्रोल है कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रही है, वो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस और उनमें सबसे मेन इंस्ट्रक्शंस आती हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को नॉर्मल सीक्वेंशियल ऑर्डर से किसी ऐसे एड्रेस पे ले जाती हैं कि जहां पे मुझे एकदम से जंप करना पड़ता है, या अगर हम बात करें कि कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मुझे किसी और कोड को एक्सेस करना है। तो जितनी भी ब्रांच से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, या अगर हम बात करें स्किप है, फंक्शन कॉलिंग है, वो सारी की सारी क्या करती हैं, कंट्रोल हजार्ड्स को अक्कर करती हैं। तो कंट्रोल हजार्ड में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बेसिक ओवरव्यू है कि हमारा जो बेसिक काम चलता कैसे है, हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो चलती कैसे है, सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स से हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। और लेट्स से इंस्ट्रक्शंस, हर एक इंस्ट्रक्शन अगर 4 बाइट की आप लेके चलो, एवरी इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 4 बाइट, तो लेट्स से ये अगर 1000 पे पड़ी है, ये 1004 पे पड़ी है, ये 1008 पे पड़ी है, नेक्स्ट लेट्स से 1012 पे पड़ी है, इस तरीके से हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पड़ी है, एड्रेस पे पड़ी है, मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस जो है पड़ी है। अब जनरली होता क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर, लेट्स से अगर मुझे सबसे पहले I1 से स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस क्या होगा, 1000। तो जनरली जब हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, फेच करते ही हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब वो उस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट आउट करता है, उस एड्रेस पे पॉइंट आउट करता है जहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी पड़ी है। अब जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने अगर I1 को फेच किया, I1 को फेच करते ही क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे चला जाएगा। जब मैं I2 को फेच करूंगा क्या होगा, ये 1008 पे चला जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल हमारा सीक्वेंशियल ऑर्डर चलता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है और वो इंस्ट्रक्शन इस पूरे एड्रेस को कुछ और लोकेशन पे ले जाती है, कोई और ऐसा एड्रेस जनरेट करती है जो सीक्वेंशियल ना हो, उसकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल हजार्ड अक्कर होते हैं। सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, लेट्स से BNEZ ब्रांच व्हेन नॉट इक्वल टू 0, अगर हम बात करें यहां पे, लेट्स से R1, 2000, ये हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, BNEZ का मतलब क्या है कि अगर R1 की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब R1 में अगर जो भी डेटा पड़ा है अगर वो इक्वल टू 0 है, तब तो हमारा नॉर्मल फ्लो चलेगा, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब R1 की वैल्यू अगर कुछ भी और है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, यहां पे ब्रांच अक्कर होगा और ये कहां पे चला जाएगा, एड्रेस 2000 लोकेशन पे चला जाएगा। मतलब आपको वो इंस्ट्रक्शन फेच करनी है जो 2000 लोकेशन पे पड़ी है, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल ब्रांचिंग, कंडीशनल ब्रांच है ये यहां पे। तो जल्दी अगर हम बात करें यहां पे 5 हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है उसके अंदर, लेट्स से हमारे पास जो फेजेस है वो है 5, तो इंस्ट्रक्शन को हमने फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, मेमोरी अगर मुझे लोड एंड स्टोर करना है, या फिर मैंने फाइनली क्या करना है, राइट बैक करना है। अब लेट्स से हमारे पास क्लॉक साइकिल है 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने I1 इंस्ट्रक्शन को उठाया, I1 को मैंने फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट, मेमोरी, राइट बैक। जनरली हम इसी तरीके से फ्लो चलाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम पाइपलाइनिंग में I2 को उठाते हैं और I2 को हम क्या करते हैं, यहां से फेच करना स्टार्ट करते हैं, और फिर हम बात करते हैं यहां पे इंस्ट्रक्शन डिकोड को, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं,
फिर उसको मेमोरी अगर चाहिए तो मेमोरी, और फिर उसको अगर राइट बैक करना है तो हम राइट बैक करवाते हैं, मतलब 6 क्लॉक साइकिल पे वो राइट बैक करेगी। इसी तरीके से हम नॉर्मल फ्लो करते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर I2 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, अगर ये I2 हम इसको लेके चले ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा? हमने सबसे पहले I1 को एक्सेस किया, I1 को जब हमने एक्सेस किया तो प्रोग्राम काउंटर जो है I1 को फेच करते, I1 को जैसे ही हमने फेच किया प्रोग्राम काउंटर 1004 पे चला गया, मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे चला गया, I2 के ऊपर चला गया। उसके बाद हमने उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, मेमोरी राइट बैक करते जा रहे हैं। इतने में हमने क्या किया, I2 इंस्ट्रक्शन पे आ गए। अब I2 इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, इंस्ट्रक्शन को फेच करते ही प्रोग्राम काउंटर किस पे चला गया, 1008 पे चला गया, मतलब नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन पे चला गया, क्योंकि हमने I2 को तो फेच कर लिया। अब I2 को फेच करने के बाद, और I2 कौन सी है, लेट्स से हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है I2, हमने I2 को फेच किया, अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये ब्रांच है या कंडीशनल ब्रांच है, नॉन कंडीशनल, कुछ नहीं। उसके बाद हमने इसको क्या किया, डिकोड किया, डिकोड करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट फेज में हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे, डिकोड करने में हमें पता लग जाएगा कि R1 के अंदर क्या वैल्यू है, और एग्जीक्यूट फेज में अगर R1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है, अगर R1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है एग्जीक्यूट फेज में, तब तो ऑब्वियसली आगे जाके कोई पंगा नहीं है। तो हम केस वो वाला लेके चलते हैं, लेट्स से कि R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सक्सेसफुल ब्रांचिंग हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कह रही है कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ब्रांच हो जाएगा, और यहां पे हम लेके चल रहे हैं कि R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब R1 की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है वो हमें यहां पे पता लगेगा, लेकिन हमने किस एड्रेस पे जाना है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हमने किस एड्रेस पे जाना है, 2000 एड्रेस पे जाना है, वो हमें राइट बैक के टाइम पे पता लगेगा। जब हम राइट बैक करेंगे ना एड्रेस, राइट बैक के टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम 2000 करेंगे। अभी मैं 2000 नहीं कर रहा, हमने लेट से चलो इसको कर ही देते हैं, लेट से हम 2000 इसको करेंगे, पहले क्या था 1008, 2000 करेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो यहां पे ऑलरेडी पैरेलली क्या हो चुका है, जब हम क्लॉक साइकिल 3 पे थे तो ऑलरेडी I3 फेच हो चुकी है, याद रखना, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है। अभी हम यहां पे जब क्लॉक साइकिल 3 पे थे तो I3 उस टाइम पे फेच हो चुकी है, उसका डिकोडिंग भी हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन भी हो चुका है, उसका मेमोरी बेस भी चल चुका है, और I4 भी इस टाइम पे फेच हो चुकी है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कब अपडेट होगी, ये राइट बैक, और ये राइट बैक कब हो रहा है, 6th क्लॉक पल्स पे। लेकिन 4th क्लॉक पे I4 भी फेच हो गई, उसको डिकोड भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, I5 को भी हमने क्या कर दिया, फेच कर दिया, ऑलरेडी डिकोड कर दिया। तो आप समझ रहे हैं ना इसको क्या कर रहे हैं, ये जो क्लॉक साइकिल हमारे चल रहे हैं इन क्लॉक साइकिल्स में ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर क्या करता जा रहा है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता जा रहा है, डिकोड, नेक्स्ट को फेच किया, डिकोड, नेक्स्ट को फेच किया, डिकोड। लेकिन जब हम 6th क्लॉक पल्स पे पहुंचे, ध्यान से देखना, जब हम 6th क्लॉक पल्स पे पहुंचे तब हमने पता लगा, तब हमने राइट बैक क्या किया कि अरे हमारा जो ब्रांच था वो तो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि लेट्स से R1 के अंदर वैल्यू निकली 10 और 10 नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू हो गया, और ट्रू होते ही मुझे किस एड्रेस पे जाना है, सक्सेसफुल एड्रेस अब कौन सा है, 2000, हमारा जो एम अब कौन सा है, 2000, यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो भी थी उस एड्रेस को अब क्या कर दो, 2000 से अपडेट कर दो। मतलब नेक्स्ट इसके बाद I2 के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए, I2 के बाद चलनी चाहिए जो 2000 लोकेशन पे, हमें नहीं पता उस टाइम पे कौन सी पड़ी है, बट जो भी इंस्ट्रक्शन 2000 लोकेशन पे पड़ी है उस इंस्ट्रक्शन को लाओ और उस इंस्ट्रक्शन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चलाओ जो भी 2000 लोकेशन पे पड़ी है। तो यानी हमने जो ये काम किया I3 I4 I5 जो भी हमने बीच में I3 I4 का जो भी हमने स्टार्ट किया ये सारा का सारा वेस्ट हो गया। मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लश करना पड़ेगा, हमें पाइपलाइनिंग को, इसको बोलते हैं फ्लशिंग। जितने भी अनसक्सेसफुल
हमारी जितनी भी अनसक्सेसफुल इंस्ट्रक्शंस बीच में चली हैं, उन सारी अनसक्सेसफुल इंस्ट्रक्शंस को फ्लश आउट कर दो। और फ्लश आउट करने का मतलब है कि यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि हम बीच में ऑलरेडी i3 i4 i5 को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये बोलता है कि राइट बैक करते ही हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2000 वाली चलानी थी जो 2000 एड्रेस पे पड़ी है, लेकिन ये जो बीच में हमने चला दी, इन सबको फ्लश आउट करके 2000 वाली को स्टार्ट करो नेक्स्ट क्लॉक पल्स से। तो इन तीनों को फ्लश आउट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लशिंग, और इसकी वजह से प्रोग्राम हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस सिस्टम की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, कंट्रोल हजार्ड सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। या हम इसमें एक और फंडा भी यूज कर लेते हैं, स्टॉल। स्टॉलिंग का मतलब क्या है, या तो हम क्या करें कि अगर मुझे पहले ही पता लग जाएगा, ऑब्वियसली इसमें एक सिंपल सा अगर हम सोल्यूशन निकालें तो सोल्यूशन क्या है कि हमें पता कब लग रहा है कि हम 2000 लोकेशन पे कब जाना है, वो हमें पता राइट बैक पे पता लग रहा है, मतलब इतनी लेट, ये सारा काम करने के बाद पता लग रहा है, अरे आपको तो 2000 लोकेशन पे जाना था, आप कहां 1008 वाली उठा रहे हो या 1012 वाली उठा रहे हो, वो तो गलत उठा ली। लेकिन अगर मुझे यही पहले पता लग जाए, मतलब लेट से कि अगर मेरे को इंस्ट्रक्शन डिकोड के टाइम पे ही पता लग जाए कि ये तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ये तो हमें पता लग जाएगा कि डिकोड करते टाइम मुझे पता लग जाएगा कि ये तो भैया ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट ALU ही तो करेगा इसको, इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, कंपैरिजन वगैरह सब कौन करेगा, वो ALU करेगा। तो लेट्स से अगर मुझे एग्जीक्यूशन फेज पे भी पता लग जाए, या फिर अगर मुझे डिकोडिंग फेज पे भी मैं ऐसा सर्किट बनाऊं कि वो सर्किट पहले ही डिटेक्ट कर ले ताकि मुझे इतनी दूर तक जाना ही ना पड़े, तब आप कह सकते हो कि आप क्या करो, यहां पे इतनी वेस्टिंग आपकी नहीं होगी यहां पे कहीं ना कहीं। लेट्स से कि अगर मेरे को एग्जीक्यूट फेज भी पता लग जाएगा तो क्या होगा उस केस में, आपका इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो आपने फेच कर ली, लेकिन जैसे ही आपने यहां पे एग्जीक्यूट किया, आपको पता लग गया अरे ये तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, मुझे 2000 एड्रेस पे जाना है, तो आप क्या करोगे, साथ की साथ i3 को स्टॉप कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता लग गया, मतलब जितनी अर्ली आप डिटेक्ट कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, जितना डिले आप करते जाओगे उतना ही यहां पर आपका लॉस बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस दौरान ऑलरेडी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पैरेलली चल चुकी है। तो जितना अर्ली आपको करोगे, लेट्स से अगर मुझे डिटेक्ट पे ही पता लग गया, डिकोडिंग फेज पे पता लग गया, तो मैं क्या करूंगा, i3 को बोलूंगा कि स्टॉप हो जा, यहां पे मैं स्टॉल जो है वो पुट कर दूंगा, और स्टॉल का मतलब क्या है कि मैं यहां पे कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं करूंगा, और एक बबल की तरह, मतलब यहां पे मैंने स्किप कर दिया, स्किप करने का मतलब है मैं i3 को बोलूंगा कि तू नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाए, या जो भी इंस्ट्रक्शन मेरी सक्सेसफुली चलेगी वो यहां पे एक क्लॉक साइकिल मेरा वेस्ट हो गया, एक क्लॉक साइकिल वेस्ट होते ही मैं नेक्स्ट जो भी मेरा टारगेट एड्रेस है वो टारगेट एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन में यहां पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंट्रोल हजार्ड्स का। और अगर हम बात करें यहां पे कि अगर R1 की वैल्यू 0 आ जाती, लेट्स से कि अगर R1 0 आ जाता तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, और ये क्या हो जाती, अनसक्सेसफुल, क्योंकि हमने चेक कर रहा होता ब्रांच नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तब उस केस में कोई ब्रांचिंग करने की जरूरत नहीं है, तब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी थी आपकी 1008 वाली वो आप नॉर्मली एग्जीक्यूट करते, तो 1008 वाली चलती, 1012 वाली नॉर्मल, फिर आप i3 i4 को नॉर्मली सक्सेसफुल आप करवा देते। लेकिन जब जब आपकी कंडीशन यहां पे ट्रू या फॉल्स, जो बेस्ड ऑन व्हाटएवर द कमांड, जो भी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आती है, उस कंडीशन के जितनी जल्दी अगर आप कर लोगे डिटेक्ट, उतना ही आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, उतना ही जो परफॉर्मेंस है आपकी कम डिग्रेड होगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका कंट्रोल हजार्ड्स का। थैंक यू।